अभी जो है अपने पास है ये रॉयल एनफील्ड की GT कॉन्टिनेंटल GT 650 और अब जो है अपन इसका राइड रिव्यू करने वाले हैं, देखने वाले हैं इस बाइक में कितनी पावर है, कितना मज़ा है, क्या क्रूज स्पीड है, कैसी स्टेबिलिटी है हाई स्पीड पे, वो सारी चीज़ें अपन आज इस वीडियो में देखने वाले हैं। और इसका जो फ्यूल का बार है वो देखो ब्लिंक कर रहा है, तो चलो करते हैं स्टार्ट। और ज़्यादा ओवर स्पीडिंग की तो ये बंद भी हो सकती है, सो अभी यहाँ से अपन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो यार एक चीज़ बोलना चाहूँगा, जो इंजन है ना परफेक्ट इंजन है इसका, कोई कमी निकाल देना तो मैं उसको 500 रुपये दूंगा यार, क्योंकि इंजन जो है ना इतना बढ़िया है, कोई वाइब्रेशन नहीं है, किसी भी गियर में किसी भी स्पीड पे चल लो कोई वाइब्रेशन नहीं है। वो होता ना कि नो रिप्लेसमेंट ऑफ डिस्प्लेसमेंट, तो यहाँ पर जो 650 cc जो इंजन है वो ज़बरदस्त इंजन है इसका, लाइक उसकी कोई रिप्लेसमेंट ही नहीं है। 47 PS की पावर देता है, 52 Nm का टॉर्क और काफ़ी बढ़िया परफॉर्मेंस। तो अभी जो है मेरे को खुद इस, जब आप इस बाइक को चलाओगे तो आपको ये याद नहीं रहेगा आप कौन से गियर में चल रहे हो। अब आई डोंट नो मैं सेकंड में चल रहा हूँ, थर्ड में चल रहा हूँ, फोर्थ में चल रहा हूँ, अभी गैस करते हैं कि शायद मैं फोर्थ गियर में चल रहा हूँ। तो चलो देखते हैं, दो गियर डलते हैं, तीन गियर डलते हैं, एक डल गया, दो डल गए, हाँ तो फोर्थ गियर में ही था, ठीक है क्योंकि मैं इसको चला रहा हूँ, दैट्स व्हाई। लेकिन इसमें जो है ना क्रूज स्पीड इतनी बढ़िया है कि आप 100 तक जो है आराम से क्रूज कर सकते हो इस बाइक को, करके बताता हूँ। सबसे पहले तो इसकी जो ब्रेकिंग है ना वो टेस्ट करते हैं हम, तो ये देखो क्या ज़बरदस्त ब्रेकिंग है, ठीक है। सो ब्रेकिंग ओवरऑल काफ़ी बढ़िया है, लेकिन मेन जो चीज़ दिखानी है वो इंजन है यार इसका। उसके बाद जो ये मीटर है ना, इतनी अच्छी तरह से इसकी निडल घूमती है कि आपको काफ़ी प्यारा लगेगा जब आप थ्रोटल दोगे, और जो RPM की निडल जाती है ना वो। उसके बाद में इसका परफॉर्मेंस टेस्ट हमने कर रखा है, वो जाके ज़रूर देखना, उसमें आपको पता चलेगा क्या टॉप एंड है, क्या कुछ भक्ति है, वो सब जो आपको ड्यूक 250 वर्सेस इसकी रेस में भी आपको देखने को मिल जाएगा। तो फिलहाल जो है ना इस चीज़ में, इस मीटर में एक ही कमी लगती है कि इसमें गियर इंडिकेटर होना चाहिए था, क्योंकि इसमें जो है ना गियर का नहीं पता चलता कौन से गियर में चल रहे हो, क्योंकि सारे ही गियर इतने स्मूथ है कि आपको लगेगा कि हाँ मैं 6th में ही चल रहा हूँ, तो वो वाला इशू जो आपके साथ हो सकता है। तभी 3000 RPM पे चलती है अराउंड 75 की स्पीड में, तो अराउंड 3100 RPM पे 80 की स्पीड आपको देगी। और अभी जो है ना कोई वाइब्रेशन मेरे को फील नहीं हो रही इसके हैंडल बार में, सीट पे कहीं पे भी कोई वाइब्रेशन नहीं है, ना ही तो कोई फुटरेस्ट पे वाइब्रेशन है। जो इंजन है काफ़ी सॉफ्ट इंजन है इसका, अभी 80 की स्पीड में चल रहा हूँ कोई दिक्कत नहीं है। अभी थोड़ी सी और स्पीड बढ़ा लेता हूँ और देखता हूँ कि कितने की स्पीड में मैं इसको क्रूज़ कर सकता हूँ। ये देखो रॉकेट बन जाती है परफॉर्मेंस के नाम पे, तो भाई तो इसको जो है ना आराम से अराउंड 100-120 तक क्रूज़ कर सकते हो भाई, कोई दिक्कत आपको नहीं आएगी। क्रूजिंग स्पीड इसकी काफ़ी बढ़िया है, कहीं पे भी आपको कोई इशू क्रूजिंग में करने जो है लाइक नहीं आएगा, क्रूजिंग आप इजीली कर सकते हो इस बाइक पे। लॉन्ग राइड्स के लिए तो इससे बेस्ट कोई बाइक मैं बोल ही नहीं पाऊंगा आज के डेट में, 4 लाख के सेगमेंट में ज़बरदस्त बाइक ये ऑफर करती है रॉयल इनफील्ड आपको। अभी ये देखो हैंडलिंग इसकी काफ़ी प्यारी है, हैंडलिंग में भी कहीं पे भी कोई इशू आपको नहीं आएगा। अभी हमें वापस चलना है, नहीं वापस नहीं, आगे से यू टर्न मार के आते हैं। तो चलो, ये जो पूरा हाईवे है ना ये अपने लिए है, मतलब इसमें या तो शाम को जो बच्चे हैं वो यहाँ पे साइकिलिंग करते हैं, और दिन में पूरा खाली कोई नहीं होता यहाँ पे दूर दूर तक, क्योंकि ये अभी कंस्ट्रक्शन काम चल रहा है, देखो रोड भी बंद कर दिया इन्होंने, तो ये और बेस्ट चीज़ होगी अपने लिए कि हम कुछ और इसमें ड्रैग रेस वगैरह करना चाहें, टॉप एंड करना चाहें तो वो कर सकते हैं। चलो वो चीज़ होगी अलग, लेकिन फिलहाल जो है मैं बात करता हूँ कॉन्टिनेंटल GT के बारे में। तो GT जो है ना भाई, GT नाम से आपको पता चलता है कि हाँ यार कुछ ना कुछ तो तूफ़ानी चीज़ है, और वो ये है। 160 की इसकी टॉप स्पीड मैंने लगाई थी, उसके बाद जो हैंडलिंग है वो काफ़ी बढ़िया है इसकी, 214 kg का वेट है, बट जब चलाओगे तो आपको नहीं लगेगा, आपको लगेगा कि हाँ यार लाइट वेट बाइक है बिल्कुल ये, तो वो चीज़ जो है ना फिर वहाँ पे आपको फील नहीं होती। तो दैट्स वाई ये जो बाइक है चलाने में लाइक इसका अलग मज़ा है, रॉयल इनफील्ड लवर्स की जो है ये पहली पसंद होती है, लेकिन हर किसी का जो है बजट नहीं हो पाता, दैट्स वाई लोग इसको लाइक, ये आपको काफ़ी कम दिखती है रोड पर, क्योंकि ये जो बाइक है ना जिसने ले ली ना वो उसके बाद रॉयल इनफील्ड की कोई और बाइक चलाना पसंद ही नहीं करेगा, या फिर इस सेगमेंट में किसी और बाइक पर जाएगा ही नहीं, क्योंकि ये प्यार है भाई, ये वो चीज़ है। तो ये हो गई भाई अपनी हैंडलिंग वगैरह और इन सब की बात। अभी जो ना सीटिंग कंफर्ट की बात करूँ, तो सीट के नाम पे इस पर सोफ़ा लगाया गया है, मतलब इतनी मोटी कुशनिंग है कि आपको कंफर्टेबल जो है राइड मिलेगी यहाँ पे, कंफर्ट के नाम पे कंफर्ट प्रो आपको मिलता है यहाँ पे। सो कंफर्ट में कोई आपको इशू नहीं आएगा। इसमें पिकअप जो है काफ़ी ज़बरदस्त है, थोड़ा हीटिंग इशू आपको आ सकता है समर्स में, और विंटर्स में तो ये हीटिंग इशू तो आएगा हमेशा, लेकिन जो हीटिंग इशू है ना वो विंटर्स में क्या हो जाता है कि हाँ
चलो ठीक है यार, सर्दी में थोड़ी नीचे से लाइक गर्म गर्म हवा लग रही है तो मैनेज हो जाता है सर्दियों में, लेकिन गर्मियों में जो है ना ये आपको राइडिंग पैंट अलग से पहननी पड़ेगी, पूरे राइडिंग गियर्स पहन के तब चलना पड़ेगा, राइडिंग बूट्स और वो सब, वरना आप वैसे नहीं चला सकते। नॉर्मल स्लीपर में तो आप इस बाइक को चला ही नहीं पाओगे, बूट्स तो आपके हमेशा पहनने पड़ेंगे, ठीक है, तो वो बात होगी। बाकी साइड में मिरर्स वगैरह का व्यू काफ़ी बढ़िया है। सस्पेंशन इसके लाइक ये है कि फ्रंट में थोड़े हार्ड है, जो कि हार्ड होने चाहिए, बाकी रियर में सॉफ्ट सस्पेंशन है, आप पिलियन के साथ में भी राइड कर सकते हो, कहीं पे भी कोई इशू आपको नहीं आएगा। ब्रेकिंग इसकी ज़बरदस्त है, ओवरऑल सारी चीज़ें जो है मेरे को काफ़ी शानदार लगी इस बाइक में। जिस प्राइस पॉइंट पे आती है ना, कोई कमी नहीं बोलूँगा, बस ये है कि जो टॉप एंड है ना उस पर आप लोग देख सकते हो कि 160 के बाद ये थोड़ा ऐसे ऐसे लाइक लहरने लग जाती है कि फिर जो आपको कॉन्फिडेंस नहीं आता उससे ऊपर जाने का, जबकि कंपनी क्लेम करती है 169, लेकिन 169 ले जाना बहुत बड़ी बात है। डर लगता है 160 के बाद कि कहीं यार ये अपने को इधर उधर फेंक ना दे उठा के, तो वो बात है। तो ये था अपना एक राइड रिव्यू, जिसमें कि मैंने आपको इस बाइक के बारे में बताया, एंड मेनली जो है इसका जो इंजन है और जो गेयरबॉक्स है वो लाइक मक्खन जो बिल्कुल बटर होता ना वो है, लाइक आपको इतना सॉफ्ट लगेगा। सीरियसली गाइस, लॉन्ग राइड के मज़े लेने हैं ना तो ये बाइक उठा लो आँख बंद करके, ज़बरदस्त बाइक है, कोई कमी आपको किसी एंगल से नहीं लगने वाली, शानदार बाइक जो है ये बनाई है रॉयल एनफील्ड ने। अभी पेट्रोल मेरे को डलवाना था क्योंकि उसमें पेट्रोल काफ़ी कम है, यदि मैं इसको भी स्टैंड पे लगा रहा हूँ तो ये बंद हो जाएगी, वो वाली सिचुएशन इस पर अभी फ़िलहाल आई हुई है। तो चलो कोई नहीं, चलते हैं, एंड वो देखो गया ये भाई, इसका अलग ही है, ये कभी भी फ्लाईओवर पकड़ता ही नहीं, आई उस जा रहा सामने, जाना ऊपर था वो गया नीचे, हमेशा की इसकी यही गलती है, नीचे से जाएगा पता नहीं क्या, और फिर मैं क्रॉस करूँगा तो उससे पहले वहाँ पहुँच भी जाएगा। तो चलो यार, ये था इसका राइड रिव्यू, बाकी यहाँ परफॉर्मेंस टेस्ट देखना इसका काफ़ी ज़बरदस्त है। तो चलो मिलते हैं अभी नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, लव यू ऑल गाइस।